अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अली शाह, मेरे साथ है यासिर भाई। अस्सलामुअलैकुम गाइस। गाइस उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस रात को हमारे एक फ्रेंड ने ना गाड़ी ली थी, तो आज उसने हमें ना दावत पे बुलाया था, तो अभी हम दावत खा के आए हैं। तो अभी हमने आगे शॉप अपनी ओपन की है, तो हमने सोचा कि ना हमारे एक फ्रेंड तैयब भाई ने ना जो पिछली वीडियो में हमारे साथ थे, उन्होंने ना हमें एक ना रात को ना स्टोरी सुनाई थी, बहुत फनी स्टोरी थी, गाइस। तो हम चाहते हैं कि हम भी आपको ना वो स्टोरी सुनाए। हमें तो रात को बहुत मजा आया था। तैयब भाई को हमने कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे, एक बार दोबारा कॉल कर लेते हैं। यासिर भाई कॉल करो जी। मैं कॉल कर, यासिर भाई कॉल कर रहे हैं तैयब भाई को, तो वो आते हैं। तो हम चाहते हैं आप ना उनके मुंह से ही सुने, तो काफ़ी अच्छी लगती है उनके मुंह से ना स्टोरी। तो कॉल कर रहे हैं यासिर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, यार कहाँ पे हो आप यार, जल्दी आ जाओ। वो हम वीडियो बना रहे थे, तो आपने वो स्टोरी सुनानी है वो ऑडियंस को, जल्दी आए जरा। तो गाइस हमने कॉल किया तैयब भाई को, अभी आ रहे हैं। तो अली भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना स्टोरी आपको कैसी लगी हो। तो तैयब भाई आते ही होंगे, तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं। तो इतनी देर में ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें गाइस। अस्सलामुअलैकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी यासिर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? क्या हो रहा है भाई? बस यार ये वीडियो बना रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए भाई बैठे। तैयब भाई आपको एक घंटा पहले हमने कॉल की थी, आप अभी आ रहे हो? रास्ते में था, अभी मैं ये बाहर चौक में ही था, तो दोबारा यासिर भाई कॉल आई है। मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ, नवंबर चौक आ गया हूँ, पहुँचने वाला हूँ। तो वो बता रहे थे कि वो आप कोई वीडियो कह रहे थे। तैयब भाई जो आपने हमें रात को स्टोरी सुनाई थी ना, वो सील कुकड़ फौजी वाली, हाँ जी हाँ जी, वो हम चाहते हैं ऑडियंस को आप सुनाए। ठीक है जी। तो हमने ऑडियंस को बता दिया है कि आप आ रहे हो, आपने एक स्टोरी सुनानी है जो हमें रात को आपने सुनाई थी, तो आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। गाइस मैंने जैसा कि इनके साथ मैंने एक वीडियो पे बनवाई थी बादशाह मस्जिद में, तो उसके बाद भी काफ़ी था तो काम में मसरूफियात थी, तो आज टाइम मिला था तो मैंने कहा चले चक्कर लगाने भाई के पास। भाई कॉल भी आ गई थी कि ऑडियंस भी वेट कर रही है आपका। तो गाइस वो स्टोरी मैं बयान करता हूँ कि एक ना गांव था, बल्कि वो गांव है भी आज भी, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हो सके यूट्यूब पर वो देख भी लें तो मुझे पकड़ लें आके। तो गाइस उस गाँव में ना एक मुर्गा था, कुछ शराबी थे और कुछ लोग थे गांव के, मुर्गा था सी मुर्गा। तो गाइस वो ना लड़ाई वगैरह में बहुत माहर था मुर्गा, बहुत ही माहर था। तो उसका नाम रखा हुआ था गांव वालों ने फौजी, मुर्गे का नाम था फौजी। तो ना कुछ लड़के ना जिस दिन वो लड़ाई जीता, तो कुछ लड़के छत पर बैठकर ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, यानी कि वो शराब नशा जो था वो कर रहे थे, पी रहे थे। तो उनको ना रात को ढाई तीन बजे तो भूख लगने लग गई। वो मुर्गा ना बहुत होशियार मुर्गा था, उसने ना अपना पिंजरा तो उसका खुला होता था, वो पता नहीं क्योंकि ना छतें टाप टाप कर ना वो जहाँ पे लड़के वो पी रहे थे ना बैठ के वहाँ पर चला गया। उनको लड़कों को तो पहले भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा लो जी साढ़ा से आज का बंदोबस्त हो गया। उन्होंने लो जी मुर्गा पकड़ के जीबा करके तो खा गए, पका के बड़ा माशाल्लाह कढ़ाई बवाई बना के ना तो खा खो गए। सुबह पिंड में रौला पड़ गया, शोर पड़ने लग गया, लोगों ने पूछा क्या हो गया, कहे साडा फौजी गुआच गया। उन्होंने लोगों के घरों में पूछा कि यार साडा फौजी तो नहीं वेख्या। वो जब गए ना वो शराबी लड़कों के घर, तो कहे उन्होंने वहाँ उसका गेट लॉक किया, लॉक करके तो उन्होंने वो लड़का आया बाहर, उन्होंने कहा जी यार तुसी साडा यानी कि तुसा साडा फौजी तो नहीं वेख्या? तो वो कहता जी आहो असा वेख्या तो है, यानी कि असी वेख्या रात ही वेख्या सी, और रात इतने वर्दी बाहर उतार के किधर गया हो गया। यहाँ पे ये स्टोरी एक ताम होती है। और गाइस एक और स्टोरी है, वो है शायद आपने सुनी भी होगी, वो
कि शरीफा दे पेंड दे इमाम साहब वो भी गए। मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह टाइम लगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है वो भी। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, क्योंकि ये आपके लिए दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस हमें अपने अपने दुआओं में याद रखें। तो यासर भाई, अली भाई से आप बात कर लें, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं अली भाई आप? तो गाइस स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाजमी आप देखें, हमारी वीडियो स्किप ना किया करें। आपको कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा। जैसे अब ये हमने स्टोरी एक आपको सुनाई है, आप आधी वीडियो देखेंगे तो इसे स्किप कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में इन्होंने क्या किया है, क्या बात की है, आप छोड़ देते हैं। पूरी वीडियो देखें, पूरा मज़ा लें वीडियो का। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।